और माजरत करने की बुनियादी वजह यह थी कि हम ये समझते थे कि पुरंदरी यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्व करती है, पुरंदरी किसी किसी कैंपस के लिए नहीं है। अगर बाकी तमाम अजला में यूनिवर्सिटियां हैं तो पुरंदरी तो आजादी का बेस कैंप है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। लिहाजा हमारा मुतालबा ये कल भी था, हमारा मुतालबा आज भी है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर कोई छोटा सा कैंपस। और जहाँ पे जब कैंपस लाया गया और फिर यूं कहा गया कि जैसे गोया के पूरी दुनिया में एक वाहिद चीज यहाँ पे दी गई, इतना एहसास जिताया गया, इतने उसके फजाइल और मनाकिब बयान किए गए, और जब देखा गया तो उसकी सूरत हाल क्या है कि उसकी एक फैकल्टी जिसमें हमारे बच्चों ने दाखिला लिया और फिर एक अरसा गुजारने के बाद, तीन सेमेस्टर गुजारने के बाद उनको पता चला कि इसका जो प्रोसेस है वही मुकम्मल नहीं हुआ और ये इनके साथ धोखा किया गया। हम इस धोखे पर भरपूर मुसम्मत करते हैं, भरपूर सदाए इंतजात बुलंद करते हैं, अपने इन बच्चों के साथ बिल्कुल बराबर में खड़े हैं। मेरे अजीज मदर कह रहे थे कि वो आज आए, मैं परसों जो ही आया मुझे पता चला, मैं यूनिवर्सिटी में गया, वहां रात इनके जो धरना था उसके अंदर बैठकर इनके बात को, इनके दर्द को शेयर किया। मैं आज रात फिर मगरिब के बाद वहां गया, इनके दर्द को शेयर किया। ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, इनके दुख और दर्द पर हम सियासत नहीं करेंगे, इनके दुख और दर्द पर हम अपना कोई सियासी एजेंडा पूरा नहीं करेंगे। इनका जो हक है, इनका जो राइट है, इनकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और कर रहे हैं। लिहाजा आज क्योंकि सदर रियासत जो है पाए गए हुए थे, रात ही वो यहाँ तशरीफ लाए, मेरी रात उनसे रब्ता हुआ, तो अभी उनके साथ जो है वो इस सिलसिले में हमने बात कर ली है। यहाँ की जो इंतजामिया है और जो पीसी साहब हैं, बाकी हजरात से बात करके तो हम इंशाल्लाह नज़ीर एक बेहतर राय अमल आप हजरात को देंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस कैंपस को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, यहाँ मजीद फैकल्टीज लाई जाए, ना कि जो फैकल्टी यहाँ पे यहाँ से ले जाया जाए। लिहाजा इसमें इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारे जो यहाँ सीनियर हजरात हैं, यहाँ रईस साहब भी हैं, दूसरे जितने हजरात हैं, हम बैठ कर इंतजामिया के साथ भी और जिम्मेदारान के साथ इंशाल्लाह हम बैठ कर तो आपके इस मामले को, ये आपका मामला नहीं है, ये हमारा मामला है, और जिस जगह पर जरूरत पेश आई गुजारिश यह है कि यहाँ के जितने मामलात हैं उनको हम देख रहे हैं और किसी मरहले पे अगर कुव्वत के इजहार का मौका आया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वहाँ यहाँ पर बहुत तारीख साथ एहतजाज करेंगे कि जिसकी नजीर नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। देखते हैं कि जब बात जो है वो सीधी उंगली से अगर तय हो जाती है कि आ जाता है तो ठीक है, वरना जो है इसको टेढ़ा करना और इसके पूरी तरह से बेहतर करना, ये सारी चीजें अच्छी तरह से मालूम है। तो मैं आपकी इस काविश को, आपकी इस कोशिश को मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़। इसी लम्हे में आप अपने आप को मजहानी महसूस करेंगे और इंशाल्लाह इसको हल करने में हम अपनी तमाम तर कुतें और अपनी तमाम तर तुमाना के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया।